रोहतक के दुर्गा कॉलोनी निवासी नितिन किंड्रा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चुने जाने पर आज रोहतक बार एसोसिएशन की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि हरियाणा उच्च न्यायपालिका की परीक्षा में नितिन ने प्रदेश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। नितिन किंड्रा ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2007 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से LLB की और फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से LLM की डिग्री हासिल की। वर्ष 2013 में वे सरकारी वकील बन गए। उन्होंने कहा कि वे रेवाड़ी, भिवानी, सोनीपत रहे और वर्तमान में झज्जर DC ऑफिस में ADA के तौर पर कार्यरत थे। बाद भाइयों का साथ और दोस्तों का साथ रहा है, तो सबकी ब्लेसिंग्स रही हैं, उससे हुआ है। मेहनत तो चलती ही रही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और फिर जब PP बने, ADA सेलेक्ट हुए, तब भी आगे भी चलती रही। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार यादव ने नितिन केंद्रा के उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट ने कहा कि नितिन केंद्रा का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तौर पर चयन होना गौरव की बात है। यह अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, और जो इनके बुजुर्ग हैं, इनके जो सीनियर्स रहे हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके अनुभव से जो चीज प्राप्त की है, वो हमारे जिला बार एसोसिएशन के सदस्य रहे हमारे छोटे भाई नितिन किंड्रा जी का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन बनने पे जिला बार एसोसिएशन की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कामना करता हूं जीवन में सभी ऊंचाई छुएं, और ये हमारे बार की जो युवा वकील साथी हैं उनके लिए प्रेरणा है कि वो भी मेहनत करेंगे तो वो भी इस ऊंचाई को छू सकते हैं।